एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये ब्यूटीफुल सी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी। आज मैं वो इसकी जो लहंगे है उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्कर्ट के लिए मैंने ये नेट का फैब्रिक लिया हुआ है, साथ में इसके लिए ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है। जो लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है हमने वो लगभग हमने 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है, ठीक है। और जो हमने मेन फैब्रिक जो लिया है नेट का वो मैंने 2 मीटर लिया हुआ है। और ये हम बना रहे हैं 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए लहंगा। तो ये लाइनिंग का फैब्रिक को हमें इस तरह से 2 फोल्ड करना है। अभी 2 फोल्ड कर लेने के बाद अच्छे से इसे इस तरह से बिछा लेंगे हम। तो खुला हुआ साइड मैंने अपने और रखा है और इसे हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ेंगे। तो एक बार आप जब मेज़रमेंट अच्छे से जान लोगे तो आप कोई भी साइज़ की जो स्कर्ट की कटिंग है आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस 2 मेज़रमेंट चाहिए होगा, आपकी वेस्ट की और आपकी स्कर्ट की लेंथ। तो देखिए यहाँ पर मेरी कमर है 20 इंचेस, बट उसमें हम 2 इंच ऐड कर रहे हैं जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो 22 इंच आ रहा है, 22 को आप 4 से डिवाइड कर लें। 4 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा 6 इंचेस। तो इस तरह से हमें 6 इंचेस पे मार्क करना है। अब यहाँ से आपको स्कर्ट की लेंथ लेनी है। मुझे तैयार लेंथ रखनी है 24 इंच। मैं यहाँ पे 23 इंच ले रही हूँ क्योंकि 1 इंच तो आपका सिलाई में चला जाएगा, तो ये बचेगा 22 इंच और 2 इंच के ऊपर हमारा बेल्ट लगेगा। तो ये 24 इंच का तैयार हो जाएगा। अब हम ऊपर का कोन जो है वहाँ से इसे इस तरह से घुमाते हुए हमारी मापी को और 23 इंचेस पे हमें पूरे में मार्क करते हुए जाना है। और एक बार जब मार्किंग हो जाए तो इसे आप इस तरह से मिला लीजिएगा। और इसे मिला लेने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो सेमी सर्कल आप स्कर्ट की वेस्ट के लिए आप 4 से डिवाइड करें अपनी कमर को, और फुल सर्कल के लिए आप 8 से डिवाइड करें और उसमें आप हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा रखें, ठीक है। तो ये हमारा है नेट का फैब्रिक। तो नेट हमारा 2 मीटर का था, मैंने लेंथ वाइज इसे 2 फोल्ड किया और इसे सेंटर से कट कर लिया। तो यहाँ पे इसकी लेंथ मैं रखी हूँ 23 इंचेस की। आपकी जो हमारा जो अस्तर होगा वो हम फोल्ड करके 22 इंचेस आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग 1 इंच हमने अपने मेन फैब्रिक को ज़्यादा रखा है। तो ये हमने 2 पीस हमारा मिल जाएगा नेट का फैब्रिक। तो दोनों पीस को हम यहाँ पे ज्वाइन करके एक सिंगल पीस बना लेंगे। तो हमें पूरी यहाँ पर 4 मीटर का नेट का फैब्रिक ये मिल जाएगा। तो एक बार इसे ज्वाइंट कर लें और उसके बाद हमें इसमें बनानी है छोटी छोटी फ्रिल, ठीक है। तो इसे सिल लेने के बाद मैं आपको 2 तरीके से फ्रिल लगाना बताऊंगी। तो इसे हमने सिल लिया है, अब एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेते हैं और इसका एक कोना हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि वहाँ से हम इसमें छोटी छोटी फ्रिल बनाते हुए जाएँ। हमें अपने अस्तर के अकॉर्डिंग इसमें फ्रिल तैयार करनी है। तो एक बार आप वापस से आप अपने अस्तर की जो कमर है वो माप ले। तो देखिए इस तरह से मापने पे आपका ये आ रहा है 11 इंचेस, मीन्स 11 2 22 इंचेस आपको इसमें फ्रिल तैयार करनी है। और अब हमें सुई की हेल्प से इसमें फ्रिल बनानी है। सुई से अगर आप फ्रिल बनाते हो तो फ्रिल आपका काफ़ी अच्छा बनेगा। इस तरह से हमें बस कपड़े को अंदर की ओर करते जाना है, आपका फ्रिल बनते जाएगा। तो इस तरह से अगर आप फ्रिल बनाते हो ना तो आपके फ्रिल काफ़ी अच्छे से बैठा हुआ रहेगा। आपको इसे जब हम अस्तर में लगाएंगे तो बहुत ही आराम से लग जाएगा। एक ये तरीका हो सकता है फ्रिल बनाने का। और दूसरा तरीका मैं चलिए आपको बताऊँगी। दूसरे तरीके में हमें कुछ नहीं, बस हमें अपने हाथों की हेल्प से कपड़े को अंदर की ओर इस तरह से ठेलते हुए जाना है। इससे आपका जो फ्रिल है वो भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा। आप जैसा चाहते हो इस तरह से आपका फ्रिल बनते हुए जाएगा। तो इसी तरह से हमें 22 इंचेस का फ्रिल तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने इसमें फ्रिल को तैयार कर लिया है और कितने अच्छे से ये बन के आया है। अब इसे हम अपने अस्तर की कमर पे बैठाएंगे।
तो इस तरह से हम इसमें बैठाएंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो खुला हुआ साइड है इसे हम सिलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे अस्तर और हमारे नेट का फैब्रिक को अच्छे से लेना है, मिला लेना है और ऊपर से हमें लगभग 2 से 2.5 इंच का मार्जिन रखना है। और अब हम अपने अस्तर और मेन फैब्रिक जो है इसे अच्छे से बैठाएँगे इस तरह से। थोड़ा नीचे आपको 1-2 इंच तक जाना है, सिलना है और फिर हमें क्या करना है, अपनी जो नेट का फैब्रिक है उसे हमें अंदर की ओर डाल लेना है और अब हम बस यहाँ पे अस्तर पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अस्तर पे हमने सिलाई कर लिया। अब हम अंदर से अपना जो मेन फैब्रिक हमने साइड किया था इसे भी हम यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग सिलाई हो गया है। अब हमें ऊपर में जो हमने 2 से 2.5 इंच का मार्जिन रखा था इसे हम अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलेंगे। जिस तरह आप सूट के जो साइड होता है उसे सिलते हैं, बस इसी तरह से इसे भी सिलना है। तो चलिए इसे भी हम अच्छे से सिल लेंगे। तो इसे हमने सिल लिया है और अब इसके बाद हमें ये देखिए एक बार आपको मैं वापस से अच्छे से दिखा दे रही हूँ। और इसके बाद हमें अपने अस्तर को अंदर से फोल्ड करते हुए सिलते जाना है। तो चलिए पहले अस्तर की सिलाई लगा लेते हैं हम। तो एक बार जब आपकी अस्तर की सिलाई हो जाए तो बस हमें अपने स्कर्ट में बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट के लिए मैंने अपने अस्तर वाले फैब्रिक से कपड़े कट करके रखे हैं। इसकी जो लेंथ है यहाँ पे रखी हुई है मैंने 4.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है ये अपनी कमर से हमने लगभग 4 इंच ज़्यादा रखा है। तो हमें अभी इसे इस साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है, ठीक है। और अब इसके बाद इसे अपने कमर में बैठानी है। तो हमें अपने स्कर्ट की उल्टे वाले साइड पे ये जो हमने नहीं सिला था वो वाला साइड को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, और इसे सिलते हुए जाएंगे। तो जो आपने सिलाई लगाया था ना बस उसी पे इसकी सिलाई लगाते हुए जानी है और दूसरे साइड पे भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा है उसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हम सिल लेंगे। अब सेम हमें क्या करना है, इसमें अपने कपड़े को बाहर निकालना है और अब हम इसे ऊपर की साइड से फोल्ड करते हुए सिलेंगे। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी उसी पे हम अपने इस कपड़े को इस तरह से बैठा लेना है और आराम से आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपका बहुत ही आराम से ये स्कर्ट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा स्कर्ट बन गया है यहाँ पे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लें। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।